हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हैं हम फाइनली विप्लव के घर पे। बड़े दिनों बाद, बड़े सालों बाद आए हैं। और आपने लोकेशन देख ली, बहुत प्यारी लोकेशन पे इसका घर है। तो अभी चलिए, अभी हम अंदर चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम, बहुत धूप हो रही है। और विप्लव बता भाई, आप क्या करेंगे, अपन अगला काम क्या है? अगला अपने को चलना है बारौली। हाँ, तो एक हेरिटेज साइट है, यहाँ से नवाबाटा में है, जस्ट थोड़ा आउटर में पड़ता है नवाबाटा से, 10 से 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो वहाँ पर एंशिएंट मंदिर है पूरा, एक काफ़ी हजारों साल पुराना। तो मोहम्मद गौरी जो रूलर था, मुस्लिम रूलर, वो आया था वहाँ पे, उसने अटैक किया था। अच्छा। तो वो आज हम देखने वाले हैं, बाकी डैम देखेंगे और चिल्लिया फॉल्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रावतभाटा में देखने के लिए। मतलब आज मेरे भाई ने मेरे को यही बोल के बुलाया था कि तू रावतभाटा आ, पूरा रावतभाटा घुमाऊंगा मैं। तो बिल्कुल भाई, आज पूरा रावतभाटा घुमाने वाला है बिल्कुल। और अब हम बस इधर थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर थोड़ी देर में हम निकलेंगे राइट पर। राइट पर मतलब पूरा सिटी टूर पर। अरे 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 अरे, उसकी इच्छा ही नहीं, ये तो खाना ही नहीं है, ये पहले देखा हो खाओ, ये नहीं नहीं खाना उसको। ये मेरे भाई का जर्मन शेफर्ड है और इसकी ये आदत है, ये रोज हाथ से ही खाना खाता है, वरना खाना ही नहीं खाता ये, भले इसका सामने रख दो कितना भी। वो रख के बेटा चबा ही नहीं रहा वो। चबाऊं भी मैं क्या जॉनी? हो गया भाई साहब, फाइनली अब रेडी होके थोड़ा सा रेस्ट करके निकल चुके हैं। अब हम इसे चल रहे हैं, चलो भाई की फॉर्चुनर, क्या फॉर्चुनर नहीं है, स्कॉर्पियो से। और ये एरिया है और भाई का घर है एकदम मोर्चे पे। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इसके घर तो धोक दे के जाने ही पड़ेंगे। और अभी एक चीज़ और, इस गाड़ी का एक रिव्यू करूँगा मैं थोड़ा सा। ये जो स्कॉर्पियो है, मतलब थोड़ी जिसको कह सकते हैं कस्टमाइज की हुई है, वो थोड़ा आगे चल के मैं बताऊंगा थोड़ा। तो भैया आ गए हम राणा प्रताप डैम। राणा प्रताप डैम है ना नाम भैया? बहुत ही प्यारी जगह है यार। और ये सच में, मतलब विप्लव बोल रहा था कि गांधी सागर डैम से भी अच्छी डैम है, और सच में यार ये तो उससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत प्यारी डैम है। अब ये भाई साहब यहाँ पे थोड़ा क्या कुछ सीन हो गया और रिकॉर्डिंग इस कारण से अलाउड नहीं है। और वैसे भी इस ब्रिज को, ये जो मतलब डैम है, इसको सुसाइड डैम बोलने लगे हैं क्योंकि यहाँ पे आके लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक तो इस कारण से यहाँ पे रुकना भी अलाउड नहीं है बीच में। ये जो कॉलोनी है, इसको विक्रम नगर अब कहते हैं, पहले इसको टाउनशिप कहते थे। जो कैनेट, मतलब जब प्लांट, ये NPCL है जो यहाँ पे प्लांट, इसका जब फाउंडेशन हुआ था तब कैनेडियंस ने ये कॉलोनी बसाई थी। अच्छा। आपको यहाँ पे कैनेडियन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा काफ़ी सारा, क्योंकि पहाड़ पे आके उस टाइम पे ये लोग, मतलब जिन्होंने लोकेशन देखी थी तब ये पहाड़ इनको अच्छा लगा था। सही है। अच्छा, अपन वो घर से देख रहे थे वो ये वाला पहाड़, वो ये वाला पहाड़ है। तो यहाँ पे ये इनका स्विमिंग पूल और ये है रिक्रिएशन सेंटर और ये कॉलोनी है यहाँ पे। विक्रम नगर इसका नाम बाद में रखा गया जब कैनेडियंस लोग यहाँ से चले गए थे। अच्छा। तो यहाँ से आप देखेंगे जैसे तो हल्का हल्का पहाड़ पे है पूरी कॉलोनी। सही है, वो उनकी छाप छोड़ के गए। हाँ, ये ऊपर जैसे हैं ब्लॉक, इधर को ये नीचे है पहाड़ से। सही है। अभी जो प्लांट में ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, हाँ, जॉइंट, तो वो रहते हैं यहाँ पे, रेजिडेंशियल कॉलोनी है अभी। तो ये कौन सी जगह है? क्यों अब ये सैडल? हाँ। डैम जो मेन डैम है यहाँ का, अगर वहाँ पे पानी एक लेवल से ऊपर चला जाता है,
तो फिर ये बनाया था क्योंकि यहाँ पे भी पानी काफी बढ़ जाता है हाँ। तो ये बनाया था तोड़ने के लिए। इस अच्छा। डैम में डायनामाइट लगाए हुए हैं ताकि पानी जब ये टूटे तो पानी इधर जाए। अच्छा ये भी ठीक है ताकि उस डैम को बचाओ। उसके बचाव में इसको कुर्बान होना पड़ेगा। मैं जो इसके बारे में बात कर रहा था स्कॉर्पियो के बारे में, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, ये जो मॉडल है ये आपको दिखेगा 2012 का 2014 का है ना, बट एक्चुअल में ये गाड़ी है 2003 मॉडल, चार 2004 मॉडल है। इसका पूरा बॉडी फ्रेम जो है, पूरा जो चेचे से वो चेंज करवा रखा मेरे भाई ने। कितना खर्चा आया था भाई? करीब 3.5 लाख से बॉडी चेंज करवाने भाई ने लगाया, और 1% भी आप देख के बोल नहीं सकते कि पुराना मॉडल है। थाईलैंड हाँ, इसके टायर्स जो हैं टायर्स थाईलैंड से इंपोर्ट करे हुए हैं और अनकंडीशनल वारंटी, भले ही आप इस पर चाकू मार के ले जाओ है ना। अब सोचो भाई ने पुरानी गाड़ी पे इतना शौक शौक बोलता है इसको। योकोहामा के जियो 5 आते हैं, जियो 15 सॉरी, लेकिन उसमें क्या होता है वाइट वॉल नहीं होते हैं। इस पे वाइट वॉल है ना, तो ये थाईलैंड से आते हैं, इंपोर्ट होते हैं। इनके क्या पेयर की प्राइस क्या पड़ती है? इनकी 21,000 पेयर ना। अब देख लो, शौक बोलते हैं भैया, शौक होना चाहिए इंसान में। बहुत प्यारी लगती है ये गाड़ी, और चलाने में भी बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा कि कहीं से भी 2004 का मॉडल है। तो भाई साहब फाइनली इतना घूम फिरने के बाद हम अभी आ गए हैं घर पे, और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और मैंने आपको जो बताया भैया, बहुत कट शॉर्ट में बताया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे, क्योंकि पूरा प्राइवेटाइज एरिया है, प्राइवेटाइज नहीं बोलूँगा मैं, सरकारी एरिया है, जहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। बहुत बार आके गार्ड्स ने हमको रोक दिया कि भाई साहब यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो बहुत सारी जगह का तो मैं शॉट ले नहीं पाया। तो देखते हैं अब कल क्या होता है, हो सकता है मैं कल यहाँ से निकल जाऊँ, और हो सकता है कल रुक भी जाऊँ, अगर रुक जाऊँगा तो बहुत सारी और जगह है वो दिखा पाऊँगा। तो होप सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।